हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के एनटी व्लॉग में अनटोल्ड स्टोरीज पे। आज हमारे यहाँ पे वेदर बहुत ही सुहाना है, क्लाउडी वेदर है, सर्दियों का मौसम है, बूंदाबांदी भी हो रही है, तो ऐसे मौसम में ना कुछ फ्राइड खाने को, चटपटा सा कुछ गर्मा गर्म खाने को सभी का मन करता है। तो ठीक मौसम के अकॉर्डिंग जो चीज सबको बहुत पसंद आती है, मैं भी कुछ इस तरीके के दो स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। हाँ जी, मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुले जो कि मीठे बनते हैं, और साथ ही हम बनाएंगे गोभी के पकौड़े। तो आइए शुरू करते हैं इनको बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गुलगुले बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके लिए हमें लेना है गेहूं का आटा, थोड़ी सी सौंफ, गुड़, और बहुत ही थोड़ी सी सूजी। सूजी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। अब मैं क्यों डालती हूँ ये, मैं जैसे जैसे हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे मैं वैसे वैसे ये भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये तो हमारे चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें गुलगुले के लिए चाहिए। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो होगा डीप फ्राई करने के लिए ऑयल, और एक जेजरी सिरप बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है जी, इन चार इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे गुलगुले। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें गोभी के पकौड़े बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। देखिए जी, गोभी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो का गोभी का एक फूल था, मैंने उसको इस तरीके से ना ऐसे पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। और मुझे चाहिए थोड़ी सी अजवाइन, कसूरी मेथी, बेसन। इसके अलावा जो हम इसमें डालेंगे वो बहुत ही बेसिक है, हल्दी, नमक, मिर्च, दैट्स इट। मैं इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डालूंगी। तो अब हम शुरू करते हैं इनका कुकिंग प्रोसेस। दोनों को हम एक साथ ही, दोनों का प्रोसेस साथ ही शुरू कर देंगे ताकि हमारा काम जल्दी निपट जाए। और एज सच बहुत ही ईजी है दोनों चीजें, तो हम इकट्ठा इसको बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं कुकिंग प्रोसेस। अब मैंने एक खुले बर्तन में ले लिया है पानी, और एक तरफ मैंने रख दिया है खाली सॉस पैन। अब हम ये दोनों ही गैस ऑन कर देंगे। जो ये खाली सॉस पैन है इसमें मैं तकरीबन दो ग्लास पानी डालूंगी। हाँ जी, मैंने इसमें दो ग्लास पानी डाल दिया है। जो ये पानी हमने पहले बॉईल होना रखा है इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नमक। मैं रॉक सॉल्ट ही यूज करती हूँ, आप व्हाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हम जो हमने ये गोभी रखी है कट करके, जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इस वाली गोभी को इसमें एक दो मिनट के लिए रखेंगे। तो जब ये थोड़ी सी टेंडर हो जाएगी इसको हम लोग फिर निकाल लेंगे पानी में से। तो ये पानी इसके लिए, और ये जो पानी गर्म हो रहा है इसमें हम बनाएंगे जेजरी सिरप हमारे गुलगुलों के लिए। तो अब ये पानी जैसे कि गर्म हो रहा है, मैं इस वाली कटोरी का नाप ले रही हूँ गुलगुले बनाने का, जो भी मेरे मेजरमेंट्स होंगे उसके लिए। तो एक कटोरी भर के मैंने इसमें गुड़ डाल देना है। ये देखिए जी, गुड़ है। अब मैं, अगर आपके पास जेजरी पाउडर है तो आप वो भी इसी हिसाब से लें, क्योंकि मैं एक पोर्शन डालूंगी गुड़ का, दो पोर्शन डालूंगा, दो नहीं, टू एंड हाफ, क्योंकि मेरे घर में मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो मैं इतना इसमें गुड़ डाल रही हूँ एक कटोरी। अगर आपके पास जेजरी पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बाकी रेस्ट आपकी चॉइस पे है कि आप मीठा कैसा पसंद करते हैं, इसको आप डाल दीजिए। ठीक है जी, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच ही डालूंगी। अब मैं एक स्पून लेके इसको हल्के हल्के से चलाती रहूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए गुड़। जब पानी गर्म हो जाएगा हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस हमें इसको इतना ही गर्म करना है कि जो ये गुड़ है इसमें अच्छी तरीके से घुल जाए। इसको इस तरीके से हिलाते हुए हमने इसे, गुड़ को इसमें घोल लेना है। इस तरीके से हिलाते रहेंगे तो गुड़ इसमें अच्छी तरीके से घुल जाएगा, टेंडर हो जाता है गुड़ इसमें जाके।
आप देखिए जी तकरीबन हमें 1-1.5 मिनट हो गया है। ये देखिए गुड़ के पीसेस कितने छोटे छोटे रह गए। हम इसको इसी तरीके से हिलाते रहेंगे और इस तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा ये वाला पानी भी गर्म हो गया है, तकरीबन उबाल आने वाला है उसमें। तो जब उस वाले पानी में उबाल आ जाएगा एक बार, एक अच्छा उबाल, तो हम उसमें ये जो गोभी के पीसेस हमारे कटे हुए हैं वो हम उसमें डाल देंगे। और ये देखिए जी गुड़ तकरीबन घुल गया है। मैं ये वाला गैस बंद कर दे रही हूँ क्योंकि हमने चाशनी नहीं बनानी है। हमारा सिर्फ एम जो है इस प्रोसेस का दो है। एक तो मैं चाहती हूँ कि जो पानी में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, और दूसरा कि जो ये गुड़ है ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। और आई थिंक हमारे दोनों ही काम हो गए हैं। तो अब मैं इसको हिलाते हुए इसी तरीके से दो गुड़ के एक आध पीस रह गया है, मैं कोशिश करूंगी कि वो भी घुल जाए। आप देख सकते हैं कि गुड़ तकरीबन घुल चुका है सारा ही। एक पीस है, इसको मैं कोशिश करती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि ना गुड़ बहुत टेंडर हो जाता है, घुल जाता है इजीली। इसको हम उठा के साइड पे रख देते हैं। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये गोभी। ध्यान से डालें कि जो हमारे ये फ्लावर्स है ना ये इसी तरीके से रहे, ये टूटे ना, क्योंकि हमने इसके पकौड़े बनाने हैं। ऐसे अगर हम ये वाला प्रोसेस करते हैं ना तो इसे दो चीजें होती हैं। एक तो जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, क्योंकि गोभी की सब्जी को लेके काफी मिथ है, एटलीस्ट मैं इसको यूज बहुत सोच के करती हूँ कि इसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। और दूसरा अगर हम इस तरीके से इसको एक उबाल लाइक 1-1.5 मिनट के लिए ही गर्म पानी में रख लेते हैं तो इसके ना फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और ये थोड़ी सी टेंडर हो जाती है। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसको एक प्लेट से ढक देंगे, गैस कर देंगे बंद, ज्यादा नहीं 1-1.5 मिनट ही हम इसको रखेंगे। और यहाँ पे आप देखिए हमारा तकरीबन सारा गुड़ घुल चुका है। तो अब हम इस तरफ आ जाते हैं, ये वाला काम कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर देंगे। मैंने एक पतीला ले लिया है, एक ले ली है छन्नी, ठीक है जी। अब मैं इसको छान लूंगी। हाँ जी बिल्कुल, इसको छानना जरूरी है। दो मतलब मेरे लिए दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि जितने भी अगर गुड़ में किसी भी तरीके का कोई कचरा या कुछ भी हो तो वो निकल जाए, और दूसरा जो ये सौंफ है ये ना मेरा बेटा पसंद नहीं करता, तो मुझे ये होता है कि उसका फ्लेवर भी आ जाए और जब बच्चे इसे खाएं तो ये मुंह में ना आए, ठीक है जी। इसको मैंने इस तरीके से कर लिया है अलग। अब इसमें क्योंकि ये पानी काफी गर्म है जो ये वाला, तो अब मैं इसमें एक चीज अभी कर दूंगी, वो है सूजी। ये तकरीबन ये वाली जो कटोरी मैं मेजर ले रही हूँ, इस कटोरी का आधी कटोरी है ये। ये देखिए मैं आपको मेजर करके भी, ये देखिए आधी कटोरी से भी कम ही है, इतने ही डाली है, ज्यादा नहीं। इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हिला देंगे। गर्म पानी में सूजी डालते हैं तो हम सब जानते हैं कि सूजी फूल जाती है, मतलब ना काफी अच्छा इससे टेक्सचर आ जाता है। जब हम गुलगुले फ्राई करते हैं उसके बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं हम उनको ऐसे कहते हैं बीच में से खोल के देखते हैं ना, तो अंदर बहुत अच्छी जाली बनी होती है, तेल तेल नहीं होता, तो इसलिए मैं सूजी डालती हूँ। इसको हम लोग तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारा 1 मिनट का काम ये देखिए गोभी का भी हो चुका है। अब मैं इसका भी पानी स्ट्रेन कर देती हूँ। इसको हम लोग इस तरीके के किसी भी भगोने में निकाल लेंगे। ये देखिए जी मैंने इसको छान लिया है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे जब तक ये थोड़ी ठंडी ना हो जाए, ठीक है जी। अब हम लोग हाँ जी, अब हम लोग ये देखिए यहाँ पे हमने गुड़ में सूजी मिक्स कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। ये वाली जो कटोरी है हम इसी का मेजरमेंट लेंगे। देखिए पहले मैं एक कटोरी सारा आटा इकट्ठा मत डालें। कई लोग ना इसको ठंडे पानी में भी मिक्स करते हैं, मैं ठंडे पानी में नहीं डालती, मैं थोड़ा
गर्म पानी में ही डालती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं डालना, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना। तो मेरा आइडिया यही होता है कि अगर हम इसको इस तरीके से गर्म पानी में आटे को घोल लेते हैं तो जो हमारे गुलगुले हैं वो बहुत सॉफ्ट फ्लफी बनते हैं। इसको थोड़े आटा डाल के इस तरीके से घुमाते हुए आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, सो दैट इसमें कोई भी लम्स ना हो। मैंने 2.5 कटोरी आटा लिया था, तो देखती हूँ कितना इसमें आटा जाएगा। वैसे अभी पहले मैं एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी, उसके बाद ही मैं और आटा इसमें डालूंगी। इसकी देखिए कंसिस्टेंसी ये है, हमें थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी हार्ड चाहिए, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही आटा डालूंगी, क्योंकि हमने इसको 5 से 7 मिनट्स रेस्ट भी देना है, तो मैं ज्यादा नहीं। आप 1/4 कह लीजिए, इतना ही मैं इसमें आटा डालूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए ये मिक्स हो चुका है, अब इसको हम प्लेट से ढक के एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए हम वेट करेंगे। हमारा गुलगुले का मिक्सचर बन चुका है, उसको हमने 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखा है। इसका भी तकरीबन पानी निकल चुका है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे। मैं ले रही हूँ एक ट्रे में मैं इस तरीके से कॉटन का कपड़ा बिछा के, ये जितने भी हमारे फ्लावर्स है ना गोभी के ये पीसेस हैं, इसको मैं थोड़ा ना डिस्टेंस पे रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडे भी हो जाएं, सूख भी जाएं। उसके बाद हमने ना इनको मसाले में कोट करना है। देखिए इस तरीके से नीचे कॉटन का कपड़ा रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, उससे ना सारा पानी है जो वो कॉटन के कपड़े पे चला जाएगा, वो भी जल्दी सूख जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे रख दिया है। ठीक है जी, अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए हम इसको भी साइड पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गोभी को भी ड्रेन करके सूखना रख दिया है, हमने गुलगुले का जो मिक्सचर है वो भी प्रिपेयर कर लिया है। तो अब हम बाय द टाइम 5 मिनट हो चुके हैं उसे रेस्ट पे, तो तब तक हम बेसन का घोल बना लेते हैं, जिसमें हमने जो गोभी के डंपलिंग है पकौड़े हमने वो तलने हैं। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले बनाएंगे बेसन का घोल। ये मैंने लिया है 1 छोटी कटोरी बेसन। ठीक है जी, इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं रॉक सॉल्ट ही यूज करती हूँ इसलिए मैं वो डाल रही हूँ, आप जो भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं आप वो डालें। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 स्मॉल टीस्पून गरम मसाला। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें 2 चीजें जाएंगी, ये देखिए तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। इसको हम हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालते हैं ना, तो इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। और मैं इतनी ही ले रही हूँ कसूरी मेथी, इसको भी मैं हाथ से क्रश करके ही डालूंगी, बहुत फाइन पाउडर सा हो जाता है इसका, ये देखिए। ठीक है जी, अब हम इसको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करके रख लेंगे। मैं इसमें मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्यों नहीं डाल रही हूँ ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। मैंने इसमें लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी है, क्यों नहीं करी है वो आपको आगे पता लग जाएगा। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने आपको मतलब पहले भी शायद बताया कि मैं थोड़ा सा लाल मिर्च को अवॉइड करती हूँ, और कुछ मुझे ये जो पकौड़े हैं थोड़े अलग तरीके से मैं बनाती हूँ, तो इसमें जो है मेरे को इस वाले मिक्सचर में लाल मिर्च डालने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो
थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे। इसका घोल ना तो हमने ज्यादा पतला बनाना है ना ज्यादा गाढ़ा, कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि जब हम इसमें जो हमने फूल गोभी काट के रखी जिसके हमने पकौड़े बनाने वो इसमें अच्छी तरीके से हम लोग जब डिप करें तो ये बेसन उसको अच्छी तरीके से कोट कर दे। आप देखिए जी हमें बेसन की कंसिस्टेंसी ये वाली चाहिए, ठीक है जी। हमने बेसन भी अब इसको हम 20-30 सेकेंड इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स हमारी गोभी सूख चुकी है, इसको 10 मिनट के लिए, ये देखिए सारा पानी है जो इसका वो नीचे किचन क्लॉथ ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं खाली बाउल ले रही हूँ, उसमें मैं डाल लूंगी इन सारे गोभी के पीसेस को, ठीक है जी। अब इसमें हमने लिए एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कसूरी मेथी, नमक और लाल मिर्च, मैंने सिर्फ इसमें इतना ही मसाला डाला है। और इसको हम ना इस फूल गोभी के ऊपर हमने इसे कोट करना है। पहले हम इसको हल्के हाथ से सारे जो मसाले हैं हम इनको इस तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च और सॉरी हल्दी नहीं, लाल मिर्च, नमक, कसूरी मेथी और कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है जी। अब हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। और इस तरीके से कोई भी लेके आपने मिक्स करना है इसको अच्छी तरीके से, ठीक है जी, अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपने, ताकि ये देखिए जो भी आपका मसाला है ना वो इस गोभी पे अच्छी तरीके से कोट हो जाए। यही रीजन है कि मैंने जो भी बैटर बनाया है बेसन का उसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि हल्की सी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है जी। अब हम इसको इस तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से जो मसाला है इसको कोट कर ले। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। जो भी हमारी बेसिक तैयारी है गोभी के पकौड़ों की, गुलगुलों की, वो हो चुकी है। अब हमारा जो काम है वो है इसे डीप फ्राई करने का। तो अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम ऑयल जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी के हिसाब से डीप फ्राई करने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं इन दोनों चीजों को फ्राई करना। और सबसे पहले मैं गुलगुले फ्राई करूंगी क्योंकि वो मीठे होते हैं। उसके बाद मैं उसी ऑयल में, उसी कढ़ाई में मैं ये पकौड़े तल लूंगी। बाय द टाइम जो भी ये टाइम है गोभी पे जो हमने मसाला डाला है उसको कोट करने का, वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तो सिंपल है जो मैंने नमक, मिर्च और कसूरी मेथी और हरी मिर्च डाली है। अगर आप इसको ट्विस्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें ऑरिगेनो हो गया, चिली फ्लेक्स हो गई, जो भी आप पिज्जा पास्ता टॉपिंग्स आती हैं ड्राई, आप इसको उससे भी कोट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके फ्लेवर्स क्या हैं, आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो अब मैं गैस पे रखती हूँ कढ़ाई और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स हमारा इसका जो रेस्ट टाइम था गुलगुलों के मिक्सचर का वो पूरा हो चुका है 10 मिनट्स का। यहाँ पे मैं गैस पे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, जितनी भी मुझे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इस शुरू करेंगे इसको फ्राई करने का प्रोसेस। और एज सच टू बी वेरी हॉनेस्ट मैं तो इसको सिंपल हाथ से ही इसमें डालूंगी, रेस्ट अगर आप स्पून से डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने हैंड वॉश कर लें अच्छी तरीके से, हैंड वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से आप अपने हाथ साफ कर लें, सुखा लें, क्योंकि अगर पानी का छींक बीच में जाएगा तो वो आपके लिए ठीक नहीं ही है। ओके जी, माय हैंड्स आर क्लीन। अब हम जो मेरा तरीका है, मैं पतीले को ऐसे हाथ में,
जितनी भी आपकी कढ़ाई की कैपेसिटी है आप उस हिसाब से इसमें ना गुलगुले डाल दें। ठीक है जी, और वेट करें कि वो नीचे से सिक जाएं। जब वो नीचे से सिक जाएंगे फिर ये अच्छी तरीके से पलटे जाएंगे। ये देखिए पलटने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही जेंटली, ये देखिए हो गए ना सारे। बस इसको हमने बिगनिंग में फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है वो लो मीडियम कर देंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और ये अच्छी तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। ये देखिए इस तरीके। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे गुलगुले कितने अच्छे बन रहे हैं, मैंने काफी बना लिए हैं। तो आप भी इस तरीके से इनको अच्छी तरीके से स्टर करते हुए इवनली गोल्डन ब्राउन कर लें। ये बहुत 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 यमी लगते हैं एंड मैं इनको गरम गरम खाना पसंद नहीं करती हूँ, मैं इनको खाती हूँ जब ये ठंडे हो जाते हैं। एंड वेरी ऑनेस्टली नेक्स्ट डे आप इसको अगर खाएंगे ना तो इसका फ्लेवर आपको और भी अच्छा मिलेगा। तो मेरा ये वाला जो लॉट है ये भी हो चुका है, मैं गैस की फ्लेम कर दूंगी बिल्कुल लो और बिल्कुल लो फ्लेम करके मैं इसको निकाल लूंगी। ठीक है जी, मैं इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा ही बचा है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स हमारे ये वाला लॉट भी हो चुका है सारा, अब हम इसको भी निकाल देते हैं। देखिए जी कितने सुंदर, ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब जामुन होते हैं। तो हमारा रसगुल्लों का काम तकरीबन खत्म हो चुका है, अब हमने फ्लेम गैस की बिल्कुल लो की हुई है, अब हम इसी ऑयल में तलेंगे गोभी के पकौड़े। ये हमारा बेसन का बैटर है जो हमने बना के रखा है। ठीक है जी, और ये है हमारा पार्ट बॉइल्ड जो कॉलीफ्लावर है, इसको बीच बीच में मैं स्टर करती रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मसाला कोट हो गया है। तो अब हम शुरू करते हैं पकौड़े तलना। इस तरीके से अच्छी तरीके से हम इनको ऐसे रोल कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से, और फिर हल्के हाथ से इसमें डाल देंगे, फिर इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से हम कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम इसी तरीके से इनको डाल देंगे। ये देखिए मैंने दो तीन पीस डाल लिए हैं, लेकिन आप पहले एक को कोट करें क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमने उसमें मसाला लगाया है, तो कोशिश ये रहे कि वो ना निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से करके, इस तरीके से लेके ऐसे, ठीक है जी, ये वाला भी ले लिया मैंने। गैस की फ्लेम हम कर देंगे थोड़ी सी हाई। जेंटली फ्राई करेंगे इन पकौड़ों को, बहुत जेंटली। वैसे तो देखिए गोभी है जो हमारी वो पार बॉइल्ड है, कच्ची नहीं है वो। ये देखिए बहुत हल्के हाथ से पलट के हुए हमें उनको सेकेंगे। मैं यहाँ पे ना आपको जैसे गोभी का कोई छोटा सा पीस देखती हूँ। ये देखिए जैसे ये गोभी का छोटा सा पीस है ना, ये देखिए ये बहुत बिल्कुल ना मतलब कच्चापन इसमें है ही नहीं, वो सारा कुक हो चुका है। एक प्लेट में मैंने ये पेपर लगा के रख लिया है, पकौड़े हम इसमें निकाल के रखेंगे। हम इसको इसी तरीके से हल्के हाथ से स्टर करते हुए हम पकौड़ों को सेक लेंगे। हमने इनको बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। हमारे गोभी के पकौड़े बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस प्लेट में।
ये देखिए अब ठीक इसी तरीके से जो हमारे बाकी के पकौड़े हैं हम उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पकौड़े कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं और तकरीबन ये भी हो चुके हैं, मैं इन्हें भी निकाल दे रही हूँ। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप पकौड़े फ्राई कर रहे हैं तो फ्लेम को प्लीज स्लो मीडियम रखें। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बीच में से ना कई बार जो हमारी गोभी की स्टफिंग है ना वो कच्ची रह जाती है तो वो खाने में स्वाद नहीं आता। तो नियरली सारे हमारे पकौड़े हो चुके हैं, सिर्फ एक लास्ट लॉट रहता है, मैं इसे भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो फाइनली हमारे सारे गोभी के पकौड़े भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे प्लेट में। बहुत अच्छे तरीके से बन गए हैं हमारे सभी पकौड़े। फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो, गैस ऑफ ही कर देते हैं और अब हम निकालते हैं पकौड़े प्लेट में। हमने हमारे दोनों स्नैक्स रेडी हैं, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बन गए हैं गुलगुले, ये बन गए हैं हमारे गोभी के पकौड़े। अब हम एक गुलगुले को ये देखिए ठंडा होने के बाद ये देखिए इसके बीच में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बहुत अच्छे से जाली बनी हुई है। यही एक साइन होता है कि जो आपके गुलगुले हैं बहुत अच्छे बने हैं। अगर ये आटा अच्छी तरीके से नहीं फूलेगा, ये अच्छी तरीके से कुक नहीं तो इनके अंदर से ना ऐसे प्रेस करेंगे ना तो लिटरली ऑयल होता है, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो गए। अब बारी है हमारे गोभी के पकौड़ों की। तो ये भी एक पकौड़ा ना मैं आपको ये देखिए इसको इस तरीके से हम बीच में ये देखिए इसमें आप अगर देख पाए बहुत अच्छी तरीके से हरी मिर्च वगैरह है जो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर कोट हुई है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की दोनों रेसिपीज पसंद आएंगी। अच्छा सा मौसम है, फटाफट बनाई है, खुद भी खाइए अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इन रेसिपीज को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मिलती हूँ बहुत जल्द ही आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। थैंक यू सो मच।